बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बोन दिया पोतार, बेस्ट विशेस टू होल वर्ल्ड एंड बॉय नाइट। ये बोन दिया गुड मॉर्निंग, पोतार गुड आफ्टरनून एंड बॉय नाइट इज गुड नाइट। द ग्रेट व्यूअर्स, आपका मेज़बान यकूब जावेद कमयाना, तमाम बाकमाल लोग के साथ हाजिर खिदमत है। कहाँ से? रूसियो, the center point of Lisbon, capital of Portugal, European Union का खूबसूरत मुल्क। आज इस जगह पे हम जो स्पॉट पे हम आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकायदा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये मेरी बैक पे जो आपको स्टैचू नज़र आ रहा है, फाउंटेन की बैक पे इज़ अ ब्यूटीफुल स्टैचू। ये रूसियो प्लेस है और किंग पेड्रो फोर्थ का स्टैचू है। क्या मुल्क है, स्माइलिंग फेस, टूरिस्ट आए हुए हैं, अभी भी टूरिस्ट कम हैं, टूरिस्ट सारे जो जा चुके हैं वो लोकल भी, टूरिस्ट भी, पूरी यूनियन, पूरी यूरोपीय यूनियन से आए हुए कंट्री, यूरोप से आए हुए कंट्री, अमेरिका, कनाडा, तमाम दुनिया से टूरिस्ट इधर आए हुए। गर्मियाँ इधर भी हैं, समर वेकेशन होने वाली हैं, मेरी यूनिवर्सिटी 21 को ऑफ हो जाएगी, छुट्टियाँ हो जाएंगी, और हमने सोचा कि आज आपसे आपके लिए प्रोग्राम किया जाए, आपको दिखाया जाए कि टूरिस्ट किस तरह आए हुए हैं। हमारे यहाँ घुटन है, हम बात करेंगे आज हुकूमत का तब्दील होना, किसने तब्दील कराई, कप्तान को किसने पिछाड़ा, इसके पीछे कौन था, क्या था उनका बवेला, उनका चीखना चिलाना कहाँ तक दुरुस्त है, और जो आने वाले हैं जो किंग मेकर हैं आसिफ ज़रदारी साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, और उनके जो एलाइज हैं उन्होंने क्या किया, माजी में क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, ये देखिए। यहाँ कुछ भी नहीं, रौनके हैं, चेहरे पे रौनके हैं, बिजली जाने का कोई तसव्वुर नहीं है, पानी जाने का कोई तसव्वुर नहीं है। मैंने अभी कोई 3-4 महीने पहले यहाँ इनके इलेक्शन हुए थे, प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा जो हैं वो हिज एक्सलेंसी रिपीट हुए हैं। मैंने जाके जब क्लास में बताया, कंग्रेचुलेशन, उन्होंने कहा व्हाट, इट्स अ रूटीन मैटर, कोई हल्ला गोले नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई जलाओ घर नहीं, कोई उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कत्ल की धमकी है, और जो एशियन कम्युनिटी है उनको बहुत लाइक करती है। एनीवे, आज हम आपको आपसे कुछ बातें बड़े अफसोसनाक करेंगे कि 70 साल में हमारे मुल्क में 30 साल हुक्मरानी किसकी थी, फौज के जनरलों की, जिन्होंने आइन तोड़ा, चलिए बर्दाश्त किया, कोड़े बर्दाश्त किए, टिक्कियाँ बर्दाश्त की, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन कुछ भी तो नहीं किया, बस अमेरिका के हवाले बंदे कर दिए, फ्रांस के हवाले बंदे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, डॉलर ले लेते, हमने क्या कमाया, क्या खट्टा, चलिए, और उसके बाद भी टिकने नहीं दिया गया। हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त जो है कम अज़ कम रिजीम चेंज हुई, कप्तान साहब आपके बंदे जो गए, आपके जो लौटे हुए, उसमें कोई ऐसा मुझे बता दें कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की हो कि तू इधर वोट दे, तू उधर वोट दे, नो, जो आपका नहीं है, जब आपके अपनी औलाद जो है वो इधर उधर हो जाए, दाएं बाएं हो जाए, तो फिर किसका कसूर है, मुझे बताएं, आपके अपने बंदे, आपका, आपके साथ चलने वाले, और जो आपके यहाँ बतौर लौटा आए थे वो तो चले जाने थे, वो तो जाने ही जाने थे, आपने क्या किया 4 साल में, आपके सामने है। अगर आपने कुछ किया होता, बिजली बनाई होती, बिजलियों के इसके डैम के अरबों रुपये इकट्ठे करवाए एक चीफ जस्टिस से, जिनका कोई तलक नहीं था, वो उन्होंने अपने जो आइन से, आइन की हलत से रूगदानी की, उनको तो चार्ज होना चाहिए, वो भी बाद में बात करेंगे। चलिए, सब कुछ हो गया, आपकी हुकूमत गिरा दी गई, आपने शोर किया, अब आप कभी कहते हैं मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, अल्लाह ना कहे, और लेकिन ये जो दुख वाली बात है कि पाकिस्तान टूटने की बात आप कर रहे हैं, 3 टुकड़े होने की बात कर रहे हैं, तो फिर जो अमीर जो बदबख्त ईरानी हुक्मरान था खुसरो मुख्तार, जिसने सरदारुल अंबिया का नामाए मुबारक टुकड़े कर दिया था, उसका क्या हशर हुआ? तो आप रियासत मदीना के टुकड़े की बात करते हैं, क्या हाल हो गया आपका, सड़कों पर हो रहे हैं, कभी आपको ये जो आपके एडवाइज़र हैं इन्होंने मरवा दिया, जब आपके जब जिन्हें आप कहते थे चपरासी बिना रखूं, फिर वो आपके एडवाइज़र बन गए, और उन्होंने कहा कि यहाँ से इस 10 लाख मजमे से जाने वाला उसके टुकड़े हो जाएंगे, क्या हुआ, आपके पल्ले कख नहीं छोड़ा। चलिए, कम से कम आप कुछ ना करते, आपने बड़ा तूर तीर मार दिया, आप आ गए, आपको ले आए, आप कौन ले आया, कैसे ले आया, छोड़िए,
ये मैं आपके कप्तान आपको हटा दिया गया, आपको हटा दिया गया और अब जो आने वाले हैं, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, असद जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब से पूछता हूँ कि आपने इनको गिराना था, क्या होमवर्क किया हुआ था? मिफ्ता साहब की गुफ्तगु सुन ले, हो जाएगा, कर देंगे। क्या किया आपको? आप प्लानिंग कर रहे थे बहुत देर से पहले कि इसको हमने गिराना है, गिरा दिया आपने, ठीक हो गया। वो चीखता रहे, सरपंच रहे, हुकूमतें गिरती रहीं, गिराई जाती रहीं। आपने एक लीगल वे अख्तियार किया जिस पर कप्तान चीख पुकार कर रहा है, कप्तान वैन डाल रहे हैं, उसके बंदे वैन डाल रहे हैं, तहजीब का जनाजा निकल गया है। लेकिन आपने होमवर्क क्या किया आप बताएं ना? आप होमवर्क करके आते, डॉलर की ये हालत ना होती, पाकिस्तानी करेंसी की ये हालत ना होती, बिजली का ये हाल ना होता। अब आप कहते हैं थोड़े दिन और रुके, भाई आपको होमवर्क करना चाहिए था। जब आपने हुकूमत को गिराना था, आपने एक कप्तान को पिछाड़ना था, पिछाड़ने के बाद फिर आप अपना तहफ़ भी ना करते। अभी आपने चीखें निकलवा दी आवाम की, शहबाज साहब गुफ्तगु नहीं चलेगी, हमजा ये गुफ्तगु बिल्कुल नहीं चलेगी, बहुत बुरा हाल है, बड़ी शर्मिंदगी है और कप्तान अपना शोर मचाता रहे। आपको अपना होमवर्क करना चाहिए था, होमवर्क करना चाहिए था। बिजली के आपको आप जो अब ये खत लहरा रहे हैं दानियाल अजीज, मैं खत दिखाऊंगा, मैं खत दिखाऊंगा, और तुहे उन्होंने दिखाते कि फ़र्क होया? ये खत आपके पास जब पहले था कि उन्होंने ये किया वो किया, तो आपने उस पर होमवर्क क्यों नहीं किया, उसका तोड़ क्यों नहीं निकाला? तो आप बड़ा इंतहाई अफसोस है। ये देखिए, ये यहाँ कभी मैंने वोटर वाली गाड़ियाँ नहीं देखी, कभी फौजी गाड़ी नहीं देखी, कभी चीफ जस्टिस साहब के वोटर बैठते हुए हमने नहीं देखे, कोई जज नहीं, पता ही नहीं चलता कौन किधर गया, अपना काम कर रहे हैं, काम काम काम। और तरक्की का हाल ये है कि ये भी मुल्क कोई इतना प्रॉस्पर नहीं है, लेकिन इनकी पॉलिसी इतनी कमाल है कि इन्होंने अपने पासपोर्ट को इतना टॉप लेवल के कर दिया, इतना वैल्यूएबल कर दिया कि तमाम दुनिया को ये लीगल स्टेटस देते हैं, बिजनेस करवाते हैं, अपना इनके पास कख नहीं, ये बिल्कुल वेजेस इनकी बिल्कुल कम है, ये लोगों को वेजेस पता नहीं किस तरह देते हैं, बिजनेस का भी हाल ऐसा ही है। लेकिन इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट है सिटीजनशिप का, नेशनलिटी देने का जो इन्होंने फॉर्म बनाया, वो ऐसा ज़बरदस्त कोई शख्स पौधा लगा गया कि इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये काम बिल्कुल भी ना करें तो इनका इनके डॉलर डॉलर डॉलरों की बरसात है, 1100 साल इनकी हिस्ट्री है। लेकिन यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं, इन्होंने गोवा पे रूल किया है इंडिया में, वहाँ से लोगों को इन्होंने नेशनलिटी दी हुई है, इन्होंने मोजम्बिक इनके साथ था, ब्राज़ील इनके साथ था, पता नहीं कौन कौन सी जगह इनके साथ थी, लेकिन इन्होंने अपने मुल्क के लिए ऐसी पॉलिसी ज़बरदस्त बना दी। आएँ काम करें, हमें तंग ना करें और अपने डॉक्यूमेंट लेके 5 साल के बाद पहले, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इट्स वेरी इजी, लीगल आइए, अपने एडमिशन लीजिए, यूनिवर्सिटी में पढ़िए, कारोबार के लिए D2 और D7 आप वहाँ से वीज़ा लीजिए, वर्क परमिट लीजिए, आइए काम कीजिए इज्जत के साथ, पहले 2 साल का कार्ड, फिर 3 साल का कार्ड, देन गो अवे, अपना बिजनेस जहाँ मर्जी करें। हमारे यहाँ क्या है, कौन बिजनेस करेगा? बिजली का ये हाल है कि कल 46-48 टेम्परेचर था, मुझे बताया गया, लोग झुलस गए, लोग जल गए, और बिल है, बिजली नहीं है बिल है, पानी नहीं है बिल है, गैस नहीं है बिल है, और इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। नवाज शरीफ साहब, आप तो आपकी गुफ्तगु को, आप खादमे आला थे, आप बड़ा काम करते थे, सारा कुछ ठीक था, खादमे पाकिस्तान हुए, तो आप सिर्फ सड़कें बनाने का नाम वज़ीर आज़म है, सिर्फ पुल बनाने का नाम वज़ीर आज़म है? जनाब बिजली दीजिए, जनाब पानी का बंदोबस्त कीजिए, डैमों के बारे में सोचिए, नहीं तो आपने हुकूमत गिरा दी थी, अगले 2 दिन के बाद आप असम्बलियाँ तोड़ते, नया इलेक्शन करवाते और ये टोल कोई और पीटता जो वोट लेके आता। अब आपने इकतदार भी संभाल लिया और बाकी काम तो संभल ही रहा, लिहाजा आज ज़्यादा कुछ क्यों नहीं होगी, कप्तान से इतनी गुजारिश है, कप्तान उन थोड़ा छावे बनो, ज़्यादा टको ना, ज़्यादा कत्ल वारत ना कराओ, और ना फौज को बदनाम करो, ना अदलिया को बदनाम करो, मुझे जनाब इज लॉर्डशिप पीपल्स ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ इतनी गुजारिश कर रही है कि बराए करम मेहरबानी फरमा के सब समझ से बाहर है क्या बटा रही, जो लोग कह रहे हैं कि DG नैब जो है वो ज़रा सोच समझ के लगाएं, उनको सर अपना काम करने दें, जो लॉर्डशिप उनको अपना काम करने दें। अगर वो पूछे, अगर वो आपसे पूछे कि बेंच ज़रा ख्याल से बनाएं तो क्या बनेगा, सर उनको अपना काम करने दें, आप अपना इंसाफ का कर्ज थामे रखें और काम जारी रखें, इंसाफ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एहतसाब होना है वो मुनसिफ का होना है, सोए मोटो उसका हिसाब देना होगा। हम स्टे पे चल रहे हैं, यहाँ इनका
ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें, इनकी ट्रेनें देखें, इनकी ट्राम देखें जो 60 में कराची में चलती थी, हम उस पर सफ़र करते थे। यार हद हो गई, हमने ट्राम की पटरियाँ उखाड़ दी, यहाँ वही ट्राम चल रही है, कोई जंगला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खूबसूरत मेट्रो, खूबसूरत ट्रेनें, और आप ट्रेन पे जाएं, आप बार्को यानी शिप पे जाएं, आप बस पे जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, आप कार्ड लें, कार्ड में आप पैसे डालें और चलते जाएं। हमारे यहाँ जुल्म खुदा का, आपने मेट्रो बना दी शिवाज साहब, आपने मेट्रो बनाई, लेकिन उसका एस्केलेटर चलता ही नहीं है। बूढ़े मरीज़ मैंने बूढ़े अपाहज रेंगते हुए, लटराते हुए, गिरते हुए देखे। जब बिजली नहीं तो एस्केलेटर का क्या फ़ायदा, जब बिजली नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन का क्या फ़ायदा। तो बेसिक नीड्स दीजिए और इस मुल्क को चलने दीजिए। मैं पाक फौज से गुजारिश करूंगा कि अब इनको संभलने दें, इन्हें कहें जी वो फर्स्ट फ्लाइट जो है, जिस तरह बर्ड को बच्चे निकालने के बाद फीमेल बर्ड छोड़ देती है फ्लाइंग करना, अब इनको चलने दें, ये लड़ें आप उसमें। लेकिन नहीं, ये इस्लामाबाद पे थावा, ये इस्लाम पे थावा, ये कत्लोगारत, ये बंद करवाएँ। और जनाब चीफ जस्टिस, आप नैब के बारे में, चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा, उसको मैं तो दोहराना नहीं चाहता, आपने मुख्तलिफ केसेस में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी वो आपको सब पता है। लिहाजा तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आए मिल के इस मुल्क को बनाएं, ना कि कप्तान हम सब के मुँह में खाक और तुम्हारे मुँह में खाक, जो कहते हैं उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, हुकूमत नहीं है, इंतजार नहीं है तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, वरना मौज मस्ती है, वरना फिर बड़े बड़े महल हैं। जरदारी साहब चुप करके ना बैठो, मियां नवाज शरीफ साहब आप भी मेहरबानी फरमाएँ, हिम्मत करें और लोगों को बुनियादी सहूलतें मैसर करें, मुर्गी का हाल देख लें, खाने पीने की चीज़ें देख लें, अशाय खुदनोश देख लें, लोगों का बुरा हाल हो गया है। और कप्तान का जाना तो ठीक हुआ, लेकिन आपका आना भी इतना कोई खुशहाल नहीं है। बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मेज़बान यूट्यूब जावेद कैमरा को इजाज़त दिए, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, और आप हमारे लिए दुआ करें, पाकिस्तान भी इस तरह फले फूले और इस तरह टूरिस्ट हमारे यहाँ आएँ जिस तरह रूसियो लिस्बन पुर्तगाल में मौज मेले कर रहे हैं, मौज मस्तियाँ कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारा ख्याल रखिए, पाकिस्तान, पुर्तगाल, यूरोपीय यूनियन जिंदाबाद।